Hello friends, welcome back. Today I am going to start. Today I am going to explain the last part of ancient India culture, art and architecture. Okay, art and architecture. In the previous video, we have discussed about the important centers of ancient India. Now look, Indian architecture reached its peak during the Maurya and the Gupta period. बहुत ऊंचाई पर था, इसका मतलब बहुत प्रॉस्परस था. इंडियन आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द मौर्य एंड गुप्त पीरियड. द स्टोन पिलर्स इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका एट वेरियस प्लेसेस. स्टोन जो पिलर्स थे, पत्थरों के जो पिलर्स थे, इरेक्ट किए गए थे, इरेक्ट यानी खड़े किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे किसने? एम्परर अशोका ने अलग अलग जगह पर. आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कल्पचर. ये बहुत एक्सेलेंट एग्जाम्पल है इंडियन स्कल्पचर का. जैसे कि द स्तूपा एट सांची, सांची में स्तूप है. उदयगिरी में है. उसके बाद खंडागिरी है, कारला है, नासिक है, अजंता वेलोरा है. हमें ये देखा अजंता वेलोरा. इट इज शो दैट द सेम ट्रेडिशन एडवांस इवन फर्दर. उसके बाद भी बहुत ये एडवांस ट्रेडिशन बन गई. द आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. ओके, आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप ड्यूरिंग रेंज ऑफ द चालुक्य. टेम्पल की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये डेवलप हुआ रेंज ऑफ द चालुक्य एंड पल्लवा डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया. द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर टेस्टिमोनी टू दिस आर्किटेक्चर. टेस्टिमोनी एट गवई, द टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम. ये जो मंदिर है ये आज भी इसकी खूबसूरत चीजों के बारे में गवा देता है, यार ये इसके बारे में बोलता है. टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर टेस्टिमोनी टू दिस आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर के बारे में गवाही दे रहा है, यार इसके बारे में बता रहा है. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ डेटीज. ब्रॉन्ज से अलग अलग भगवान के अलग अलग देव की भगवान की डेटीज की मूर्तियां इमेजेस बनाना. इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पल्लवास. द आयरन पिलर्स एट मेहरावली नियर डेली इज एविडेंस ऑफ एडवांस नॉलेज. ये इसका एडवांस नॉलेज है, एग्जाम्पल है. उसके बाद मेटल जे है जो धातु काम जिसे कहते हैं ऑफ द एंशियंट इंडियंस. दस इट इज क्लियर दैट एंशियंट इंडियन कल्चर वॉज वेरी प्रॉस्परस. मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा प्राचीन भारत था उसकी जो कल्चर थी वो बहुत एडवांस और बहुत प्रॉस्परस, बहुत समृद्ध थी. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शुड स्टडी इंडियाज कॉन्टेक्ट विद अदर सिविलाइजेशन. जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि भारत का जो दूसरे जो देश के जो सिविलाइजेशन थे उनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे आ गया, कैसे था एंड इट्स फार ए रीचिंग इम्पैक्ट. इसका परिणाम हम देखेंगे. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.